दो दिन देश में रिकॉर्ड बनाया है बिहार ने, तो यह बिहार के लिए गौरव का विषय है कि बिहार में। दूसरा, इन्होंने जो घोषणा की है कि 5-5 स्वास्थ्य उपकेंद्र वाले मामले में भी हम बधाई देते हैं, लेकिन इनके उत्तर में लिखा हुआ है कि आंशिक स्वीकारात्मक है। मुझे मंत्री जी का भी उत्तर और विभाग का उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है, क्योंकि इन्होंने एक तो बताया नहीं है कि कब तक करेंगे उन चिकित्सकों की नियुक्ति, और ग और घ को तो सीधे विभाग ने निगल लिया है साहब। ग और घ के बारे में हमको चिंता बनी हुई है कि कहा जा रहा है कोरोना का तीसरा लहर भी आएगा, लेकिन ग और घ के मामले में भी मेरे प्रश्न के ग और घ अंश का उत्तर विभाग से चाहिए था, जिसका कोई उत्तर नहीं मिला है। महोदय, मैंने स्पष्ट किया है, खंड क का 8,500 चिकित्सकों की नियुक्ति की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि योजना उतनी की ही हो सकती है जितना स्वीकृत पदबल होता है, और स्वीकृत पदबल जितना आज की तारीख में है और उतने लोगों के नियुक्ति के संदर्भ में विज्ञापित किया जा चुका है बिहार तकनीकी सेवा आयोग से, और काउंसलिंग भी हो चुकी है, जो कुल संख्या 6,296 है। तो यदि 6,296 पद रिक्त है तो 8,500 की नियुक्ति कहां से हो सकती है? जितना पद रिक्त रहेगा उतना ही नियुक्ति होगा, तो जितना रिक्त पद है उतना का सारा प्रक्रिया पूरा करके काउंसलिंग हो गया है, और बिहार तकनीकी सेवा आयोग चूंकि परिणाम प्रकाशित करता है, इसलिए मैं नहीं इस बात की घोषणा कर सकता कि वह सूची कब प्रकाशित होकर मुझे प्राप्त हो जाएगी। हाँ, हम संपर्क में हैं, जैसे प्रकाशित हो जाएगी, विभाग का काम पदस्थापना करना होता है, पदस्थापना किया जाएगा। पिछले साल भी जो पदस्थापना किया गया था उसकी भी जानकारी हमने दी है, और इसके अतिरिक्त WHO के मान्यता के अनुसार जो विषय इन्होंने कहा है, पिछली सदन में इस विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी, और उस वक्त बहुत विस्तार से भी मैंने जवाब दिया था। इस राज्य की आबादी 12 करोड़ लगभग है, और उस अनुसार लगभग 1,20,000 चिकित्सक चाहिए, और चिकित्सक का मतलब केवल एलोपैथिक चिकित्सक नहीं होता है, चिकित्सक का मैंने उस समय पूरा आंकड़ा दिया था, एलोपैथिक चिकित्सक, होम्योपैथिक चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक, चूंकि ये सारे आयुष चिकित्सक भी हमारी सरकारी सेवा के तहत जाके स्वास्थ्य केंद्रों पर लोगों को सेवा देते हैं, और एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, मतलब कुल आयुष चिकित्सा और एलोपैथिक चिकित्सकों की संख्या इस राज्य में लगभग 1,18,000 है, ये मैंने विस्तार से पिछली बार पूरा बताया था। ठीक, चलिए मनीष दास।